हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एसबीआई द्वारा जो है जूनियर एसोसिएट क्लर्क की वैकेंसी निकाली गई है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि क्लर्क को कितनी सैलरी मिलती है, तो इस बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक पे स्केल की। तो आपका बेसिक पे जो है 17,900 है, मतलब मिनिमम आपको इतना मिलेगा बेसिक। इसके अलावा आपको डीए मिलेगा, आपका डीए लगभग 10,000 के करीब में होगा, 10,734 रुपए। और एचआरए मिलता है, एचआरए जो होता है हाउस रेंट अलाउंस होता है, ये आपको 2,091 रुपए मिलेगा। उसके बाद जो है स्पेशल अलाउंस आपको मिलेगा 3,000 रुपए के करीब में, 3,263 रुपए आपको जो है स्पेशल अलाउंस मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, टीए जो बोलते हैं इसको, ये आपका 600 रुपए होगा, और एसपीएन आपका जो है 500 रुपए। तो ये टोटल आपका 37,000 रुपए के करीब में हो जाएगा, 37,088 रुपए। इसमें कुछ आपका डिडक्शन भी होगा, लेकिन जो लोग जो है मेट्रो सिटीज में रहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन में लिखा गया, जो क्लर्कल कैडर के एम्प्लॉय है पेबल एट मेट्रो लाइक मुंबई, अगर मेट्रो सिटीज में है तो आपको 37,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। तो इसके लिए आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें एज आपकी 20 से 28 के बीच में होनी चाहिए। इसमें एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी को जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, पीडब्ल्यूडी जनरल और ईडब्ल्यूएस को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, वहीं पर दिव्यांग उम्मीदवार जो आपके एससी एसटी के उनको 15 साल और ओबीसी के 13 साल इनको जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी और कैटेगरी के कैंडिडेट को 750 रुपए एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी, बाकी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं जमा करनी होगी। बहुत से लोगों को ड्यूटीज के बारे में नहीं पता है कि उनको क्या करना होता है, तो यहाँ पर आपको जो है क्लरिकल कैडर का जॉब दी जाएगी। जो भी आपने बैंक में क्लर्क का काम देखा होगा, सेम आपको वही काम करना है। इसमें आपको जो है कस्टमर के साथ डील करना होगा, अगर मान लो किसी को अपनी पासबुक अपडेट करानी है तो आपसे पूछने आएगा, ये सारी चीजें आप उनको बताएंगे। तो जो भी कस्टमर से रिलेटेड काम होगा वो आपको करना होगा। इसमें सिलेक्शन के लिए आपका एग्जाम होगा, प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम होगा। जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का ये पेपर होगा, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश से केवल 30 क्वेश्चन, बाकी दोनों टॉपिक से 35-35 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका जो है 1 नंबर का होगा, और इसमें जो है 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी, इस बात का भी ध्यान रखें आप। उसके बाद मेन्स एग्जामिनेशन होगा, जिसमें जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन के अलावा जनरल इंग्लिश से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इन दोनों टॉपिक के लिए 35-35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन होंगे 1 नंबर का एक क्वेश्चन, लेकिन रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, इन दोनों के लिए 45-45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो मेंस का एग्जामिनेशन 2 घंटे 40 मिनट का होगा, 190 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके 200 नंबर का पेपर होगा। तो जो लोग इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसके सिलेबस की पीडीएफ आप डाउनलोड कर ले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।